खबर बाराबंकी से, जहां पर मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई और हत्या के बाद तालाब में शव को फेंक दिया गया। बच्चे के शव को हत्या के बाद तालाब में फेंक दिया गया है। बच्चे की आंख पर गहरे घाव के निशान है। परिजनों ने रेप की आशंका जाहिर की है। गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया गया। सतीश संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सतीश, क्या पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है? जी, आपको बता दें कि अभी फिलहाल पोस्टमार्टम अभी पीड़िता का हुआ नहीं है, मृतका का जो है अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और जो है पुलिस के आला अधिकारी जो है सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है एक मेडिकल टीम बनाई गई है, उसी मेडिकल टीम के तहत जो है बच्ची का जो है मेडिकल परिजन होगा। और सबसे हैरानी की बात है कि 30 तारीख को ये बच्ची जो है अचानक घर से लापता हुई थी और जो है यानी जो है बीती रात जो है बच्ची का जो है रात में ही शव जो है तालाब से मिला है। बच्ची के शरीर पर जो है हैवानियत की जो निशाने हैं वो दिख रही हैं, चोटें हैं। और जो है घर वाले यही आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद जो है उसकी हत्या की गई। फिलहाल अभी पुलिस को पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सतीश, शुक्रिया आपका इस जानकारी के। आज टीहरी के दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत, जिला अस्पताल का और कोविड केयर सेंटर का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री और मंत्री सुबोध उनियाल ने पीपीई किट पहनकर निरीक्षण किया। पीपीई किट पहनकर मंत्री सुबोध उनियाल और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निरीक्षण किया कोविड केयर सेंटर में कोविड मरीजों का। उन्होंने हाल जाना। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पीपीई किट पहनते हुए आप देख रहे हैं और मंत्री सुबोध उनियाल भी उनके साथ। 450 बेड के इस कोविड सेंटर में 8 मरीज भर्ती हैं, तो उन मरीजों से बातचीत करना उनको लगा कि जरूरी है ताकि वो असल स्थिति बता सके, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि कोविड मरीजों का हालचाल जाना नहीं जा रहा है, उनसे कोई सही से बर्ताव नहीं कर रहा है, डॉक्टर उनको जो है पूछ नहीं रहे हैं। वैसे में सबसे उपयुक्त था कि सीधा उन्हीं से संवाद किया जाए और सेफ्टी के साथ। यही वजह है कि पीपीई किट पहनकर मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और संवाद किया। इस बीच में जहरीली शराब कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 50,000 के नामी विपिन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और विपिन यादव की निशानदेही पर अवैध शराब फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है, जहां से बड़ी तादाद में शराब की बोतलें, रैपर, ढक्कन, बारकोड बरामद किए गए हैं और पुलिस ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। 25 लोगों की शराब पीने की वजह से मौत हो चुकी है और पुलिस ने कार्रवाई की है। विपिन यादव को पकड़ा गया है और इसी की निशानदेही पर एक शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। जनपद अलीगढ़ में हाल फिलहाल में जो जहरीली शराब से हुई मौतों के संबंध में मेरे द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा तत्परता से कई जगह दबिशें डाली गई और पहले 48 घंटे के अंदर ही 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें कई ठेके के मालिक, कई सेल्समैन, कई उनके जो वहाँ पर केयर टेकर होते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं वो, इसके अलावा जो मेन मास्टरमाइंड है इनमें से एक अनिल चौधरी और एक अन्य व्यक्ति विपिन यादव, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।